Question we are having is the difference between outside and inside surface areas. The difference between outside and inside surface areas. Of a cylindrical metallic pipe, metal ki pipe bani hui hai, of a cylindrical metallic pipe is cylindrical metallic pipe of height 14 centimeter is 44 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें अब यहाँ पे क्या गिवन है, देखो डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस एरियाज ऑफ सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप. सिलेंड्रिकल जो है शेप की हमें एक पाइप गिवन है. प्रयाग म्यूट योर सेल्फ. बेटे बीच में अपने आप को अनम्यूट मत किया करो. यस चैतन्य मैम, आपका बोर्ड विजिबल नहीं है मैम, थोड़ा कैमरा नीचे की तरफ कर लो. ठीक है. हमें जो है सिलेंड्रिकल मेटेलिक पाइप गिवन है जिसका आउटसाइड और इनसाइड सरफेस एरियाज जो हैं वो हमें गिवन है, उनका डिफरेंस गिवन है. आउटसाइड इनसाइड सरफेस एरियाज की अगर हम बात करें तो इट मींस कि अगर हम बात कर रहे हैं तो एक सिलेंडर ये है, अगर दूसरा सिलेंडर ये है, अगर इन दोनों सिलेंडर्स को हम इस तरीके से अगर डालें तो जो बीच में आई गेस कि ये क्लियर होगा आपको, बीच में जो आप दे सकते हो ये रिफिल का और जो पेन का डिफरेंस दिख रहा है, यही डिफरेंस जो है इनके सरफेस एरियाज का. जब सरफेस एरिया की बात हो रही है मींस टोटल सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको फिगर को ड्रॉ करना चाहूं तो दैट विल बी ड्रॉन इन दिस वे. ये आउटर हो गया और ये इनर हो गया. डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया है. दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया. तो जब हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस की, तो इट मींस ये डिफरेंस हमें गिवन. ये वाला नहीं लेना आपने, टोटल हो जाएगा नहीं तो. तो जो कर्व्ड सरफेस है दोनों का वो डिफरेंस जो है, अगर मैं इसको इस तरीके से शो करती हूँ, अगर ये आप एक सर्कल एज्यूम कर रहे हो तो आपको जो ये मेरे जो फिस्ट है और जो ये चौक है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस डिफरेंस गिवन है, तो ये जो है कर्व्ड पोर्शन का डिफरेंस हमें कितना गिवन है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसकी जो हाइट गिवन है ये दिस इज 14 सेंटीमीटर. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इफ द पाइप इज मेड अप ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल. इफ द पाइप इज मेड अप ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, देन फाइंड द outer and inner radii of the pipe. Find the outer and inner radii of the pipe. Yourself, if you are having any doubt, then it's fine. You can ask your doubt. Otherwise, mute yourself. Ninth B, bache, I'm getting disturbed today, so I'm just not giving you the option to unmute. If anyone will be having any doubt from 9th B as well as 9th C, so you are to raise your hand and then I will unmute. Because 9th C, I think they are not in a habit of studying in this way. So find the outer and inner radii of the metallic pipe. Up statement, I hope ki first line is clear to you. Dubara main aapko bata rahi hu. Statement mein hame given hai ek metallic cylinder, jiski height hame given hai 14 centimeter. उसके बाद उसने क्या कहा कि मेटेलिक पाइप का, क्योंकि जो है वो हॉलो है, बीच में से खाली है,
तो उसका जो हम अगर कहें कि एक पाइप के बीच में मैंने दूसरी पाइप डाल दी, हॉलो पाइप डाल दी, दोनों पाइप्स हॉलो हैं, तो दूसरी पाइप डालने पे जो एरिया फिल हो रहा है उसमें से कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का, आउटर वाले का और इनर वाले का, उनका जो डिफरेंस है वो मुझे कितना गिवन है, 44 सेंटीमीटर स्क्वेयर। उसके बाद सेकेंड लाइन में वो क्या कह रहा है, इफ द पाइप इज मेड अप ऑफ 99 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, 99 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से मुझे क्या पता लगा कि मुझे ये क्या गिवन है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल मुझे गिवन है। अब यहाँ पे क्योंकि पाइप ये आपका हॉलो है तो वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या होगा, दैट विल बी द आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम मुझे गिवन है 99 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, आउटर रेडियस एज वेल एज इनर रेडियस, यानी कि रेडियस ना आउटर है मेरे पास ना इनर है, टू अननोन्स आर देयर, तो आपको दो चीजें यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ेंगी। सो लेट द आउटर रेडियाई, लेट द आउटर रेडियस इज कैपिटल आर, बाकी यूनिट्स क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ले लेंगे, नहीं समझ आता तो सिर्फ यूनिट्स वर्ड आके लिख दो। एंड द इनर रेडियाई, रेडियस नॉट रेडियाई, सिंगल है क्योंकि, इज आर सेंटीमीटर। अब ये मैंने एज्यूम कर लिया, हाइट मुझे कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर, एच हो गया ये। उसके बाद क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरियाज, तो डिफरेंस बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरियाज इज गिवन टू बी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ में क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ मेटल वी ले लेते हैं, दैट इज गिवन टू बी 99 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जो गिवन है उसके बेसिस पे मुझे ये पता है कि कर्व्ड सरफेस एरियाज का ये डिफरेंस गिवन है मुझे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, क्योंकि डिफरेंस गिवन है तो इट मींस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में हम आउटर रेडियस ले लेंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में हम इनर रेडियस ले लेंगे, और ये डिफरेंस मुझे कितना गिवन है, 44। यहाँ से 2 πh आपका कॉमन आ जाएगा, एच की वैल्यू भी मेरे पास है, तो यहां से मेरे पास दोनों रेडियस का डिफरेंस आ जाएगा। एच की मैं यहाँ पे और पाई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, 22/7 और एच इज गिवन टू बी 14। सो जो डिफरेंस आया मेरे पास दोनों रेडियाई के बीच में, दैट इज गिवन टू बी, दैट इज फाउंड टू बी हाफ, दैट इज इक्वल टू हाफ। सो आर माइनस आर आ गया हमारे पास हाफ। अब इधर वाले पार्ट पे आएंगे, अब मुझे और क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल। वॉल्यूम ऑफ द मेटल मतलब इट्स एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम ये मुझे गिवन है 99। एक्सटर्नल वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इंटरनल हो जाएगा पाई स्मॉल आर के साथ स्क्वायर एच इक्वल टू 99, पाई और एच अगेन कॉमन, तो दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि मेरे पास आर माइनस आर की वैल्यू है, सो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ आर प्लस आर ऑल्सो। सो दिस इज 99 अपॉन पाई ले लेंगे, 22/7, एच इज 14 एंड आर माइनस आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, हाफ। सो कटिंग कर दो आप अपने हिसाब से, तो आर प्लस आर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9/2। इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 लो और इसको इक्वेशन 1 ले लो।
अब इक्वेशन वन और टू, टू वेरिएबल्स हैं, टू इक्वेशंस हैं, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से कैपिटल आर आ गया आपका 9/2 माइनस आर पुट इन वन, सो दिस इज आर, कैपिटल है तो 9/2 माइनस आर, ये कैपिटल आर रिप्लेस किया, माइनस स्मॉल आर ऑलरेडी इधर था, दिस इज इक्वल टू हाफ, तो 9/2 माइनस टू आर इज इक्वल टू हाफ, माइनस टू आर इज इक्वल टू माइनस हाफ, हाफ माइनस 9/2 हो जाएगा, तो ये आपका कट के माइनस टू आर इज इक्वल टू माइनस फोर, आर इज इक्वल टू टू, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई हमारे पास टू। अब हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, चाहे इसमें पुट करो चाहे उसमें पुट करो, फाइंड इट आउट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, स्मॉल आर आ गया हमारे पास टू, अब कैपिटल आर की वैल्यू निकालिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आप चाहो तो इनको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हो इफ यू नो द मेथड। यस लवलीना, जस्ट अ मोमेंट बेटा। मैम डाइस थोड़ा बोर्ड के पास कर दो मैम, एक साइड विजिबल नहीं है बोर्ड की। इज दिस क्लियर नाउ? वेट, यस रमनीक। मैम कैपिटल आर 2.5 सेंटीमीटर। यस इट्स 2.5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर आपके पास 5/2 आएगा, तो दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। यहां कर रही हूं मैं यूजिंग वन, कैपिटल आर हमने निकालना है, स्मॉल आर हमारे पास 2 आया है एंड दिस इज हाफ, तो आर इज इक्वल टू हाफ प्लस 2, एलसीएम लेके दिस इज 5/2, यानी कि कैपिटल आर इज 2.5 सेंटीमीटर। तो आंसर आप लिखेंगे द आउटर रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। यस दिया मैम, हमने जब वैल्यू पुट की इक्वेशन वन में कैपिटल आर की, मैम एक बार वहां से एक बार रिपीट कर दो, मेरा आंसर नहीं आ रहा। इक्वेशन वन में पुट करके मैम? यस बेटे, ये था ना, ये दिस इज योर इक्वेशन वन, इसी में मैंने किया है ये, आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास टू आई है, टू में रिप्लेस किया, टू से रिप्लेस किया आर को, दिस इज इक्वल टू हाफ, अब ये माइनस टू इधर आके प्लस टू हो जाएगा, हाफ प्लस टू एलसीएम लोगे तो दैट इज 1/4/2 यानी कि 5/2। दिया क्लियर है बच्चे? मैम मैम पीछे इससे पहले वाला स्टेप भी एक्सप्लेन कर दो, पुट इन वन वाले से। दिस वन? यस मैम, जस्ट अ मोमेंट। यस मैम, देखो यहाँ पे क्या है, आर प्लस आर इज इक्वल टू 9/2 था, यहां से मैंने कैपिटल आर की वैल्यू निकाल ली, ये स्मॉल आर हम इधर ले गए, तो दिस इज 9/2 माइनस आर, अब ये आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, तो ये वाला कैपिटल आर मेरा रिप्लेस हो गया 9/2 माइनस आर, ये वाला, ये कैपिटल आर हो गया, और उसके बाद ये माइनस आर इक्वल टू हाफ, माइनस आर इक्वल टू हाफ एज इट इज आ गया। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 9/2 माइनस आर, माइनस आर इज माइनस टू आर इक्वल टू हाफ एज इट इज, माइनस टू आर को मैंने इधर रहने दिया, 9/2 को मैं इधर लेके गई, तो मेरा ये स्टेप बना माइनस टू आर इज इक्वल टू हाफ माइनस 9/2, हाफ माइनस 9/2, बेस सेम है तो न्यूमिरेटर्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, 1 - 9 इज -8/2, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था -8/2, अब -8/2 इज -4, तो ये आ गया -2r इज इक्वल टू -4, नेगेटिव साइंस कैंसिल हो गए, r इज इक्वल टू 4/2 यानी कि r इज इक्वल टू 2। ओके थैंक यू। Now moving on to the next question. Isme still if anyone is having any doubt, so I'm giving you the option to unmute and you can ask your doubt. Kyunki ye thoda sa question aap logon ke hisab se tough hai. I have given you the option to unmute. If anyone is having any doubt,
then you can unmute yourself, both of the sections, and you can ask your doubt. Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे. मैम पुट इन इक्वेशन वन वाला जो नीचे एक स्टेप है मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो. यस वन बेटे. नो मैम अदर साइड. दिस वन. नो मैम लास्ट में जो आपने अभी किया था. दिस वन. ओके. यस मैम. यहाँ पे मैं ये इरेज कर दूं, यहाँ पे दोबारा करवा देती हूँ क्योंकि आई थिंक वो कॉर्नर पड़ रहा है तो आप लोगों को इतना क्लियरली विजिबल नहीं है. सो आई एम डूइंग इट ओवर हियर. हमारे पास जो है एक आ गया था. अगर वो मेथड थोड़ा सा आपको लग रहा है टफ है मैं दूसरा मेथड भी करवा देती हूँ. मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई थी आर प्लस आर इज इक्वल टू 9/2. दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लो. अब इन इक्वेशन में देखो बोथ ऑफ दीज आर पॉजिटिव, बोथ ऑफ दीज आर हैविंग डिफरेंट साइन. तो मैं जब इनको ऐड करूंगी माइनस आर प्लस आर आपका कैंसिल हो जाएगा. आर प्लस आर क्या आ जाएगा आपके पास 2r. दिस इज इक्वल टू हाफ प्लस 9/2. सो 2r इज इक्वल टू 2 LCM आ जाएगा. 1 + 9/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5. तो 2r यहाँ पे कैपिटल R आपके पास पहले आ जाएगा. तो r की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2. अब यहाँ पे r की वैल्यू जो 5/2 आई है ये r की वैल्यू हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे. तो मेरे पास r माइनस आर इक्वल टू हाफ था, ये r की वैल्यू मेरे पास 5/2 आ गई. सो दिस इज माइनस r इक्वल टू हाफ माइनस 5/2. बेसिस सेम है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो दिस इज माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 2, आर इज इक्वल टू 2. एक तो मेथड आपका ये हो सकता है. अगर ये इजी लगता है ये कर लो. दिस इज कॉल्ड द साइमल्टेनियसली इक्वेशंस हम इनको सॉल्व कर रहे हैं. अगर ये मुश्किल लग रहा है वो वाला भी मैं दोबारा करवा देती हूँ. ये नोट डाउन कर लो जिन्होंने करना है. आप इस स्टेप के बाद ये वाले स्टेप्स फॉलो करोगे या फिर वही मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ. डाउट मत रखना कोई भी इसके सॉल्यूशन में, बिकॉज थोड़ा सा आपके लिए ये अलग तरह का क्वेश्चन था. अब वो वाला मेथड देखो, हमें गिवन था आर प्लस आर इज इक्वल टू 9/2. यहां से मैंने क्या किया, कैपिटल आर को लिख लिया स्मॉल आर की टर्म्स में. अब ये वाली r की वैल्यू मैंने इसमें पुट की. दिस r आई हैव रिप्लेस्ड. अब इस r की जगह मुझे क्या पुट करना है, 9/2 माइनस r, और ये दोनों एज इट इज. अब ये ब्रैकेट हटा दी मैंने सॉल्व करने के लिए. 9/2 एज इट इज माइनस r माइनस r, लाइक टर्म्स हैं विद सेम साइन, ऐड हो गई 2r हो गया, साइन वही लग जाएगा. दिस इज इक्वल टू हाफ. अब ये 9/2 आप उधर ले गए, बाकी सारा आपको सॉल्व करना आता है. अगर स्टिल एनीवन इज हैविंग एनी डाउट देन यू कैन अनम्यूट एंड गेट योर डाउट क्लियर्ड. अदरवाइज वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां अगर अभी भी किसी को कोई डाउट लग रहा है यू कैन आस्क. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेल विद 10 डेसीमीटर इन साइट डायमीटर इज डग 28 डेसीमीटर डीप. अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड टू अ विड्थ ऑफ 5 डेसीमीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. एम्बैंकमेंट का मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए. जो आप वेल देखते हो उसके चारों ओर जो दीवार बनी होती है ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल इन शेप. राउंड जो दीवार बनी होती है ईंटों से जो बनी होती है दैट इज कॉल्ड द एम्बैंकमेंट. स्टेटमेंट पहले मैं लिखवा रही हूँ देन आई विल एक्सप्लेन. अब ये टाइप डिस्कस हो गई है. इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यू आर टू डू क्योंकि मे बी अगर ये एग्जाम में नहीं भी आते इन द 9th स्टैंडर्ड तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर 10th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड में सेम चैप्टर यू आर हैविंग तो आपकी वहां पे प्रिपरेशन हो जाएगी.
अब क्वेश्चन मुझे गिवन है अ वेल विद 10 डेसीमीटर इन साइड डायमीटर, सेंटीमीटर या मीटर के साथ भी आप कर सकते हो। इनसाइड डायमीटर मतलब इंटरनल डायमीटर की बात हो रही है ये। इज डग 28 डेसीमीटर डीप, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट is spread evenly, all around to a width of 5 decimeter to form an embankment. Find the height of embankment. So this is your statement. Just wait for 2 minutes, बेटे।